हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय एक्स सर्विसमैन फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ फॉर द एक्स सर्विसमैन जो कि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए इंटरेस्टेड है। ओके फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग एनी फर्दर, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। यू कैन सी इन द पिक्चर आई एम राजीव रंजन झा, एक्स डेप्टी कमांडेंट फ्रॉम सीआरपीएफ। पहले टारगेट कुछ और था, अब नाउ द टारगेट इज एसएससी एंड गवर्नमेंट जॉब, अदर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर माई स्टूडेंट्स एंड पर्टिकुलरली फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन। आप लोगों ने इस कंट्री को बहुत कुछ दिया है। यू आर फ्रॉम आइदर फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तो आपने अपने लाइफ के प्राइम सालों में से यू हैव गिवन लॉट ऑफ ईयर्स। नाउ इट इज द टाइम टू गेट अगेन ए री एम्प्लॉयमेंट। सो फ्रेंड्स, एज ए मेंटर, एज ए ब्रदर इन यूनिफॉर्म, आई विल बी विथ यू टिल यू गेट एंड फाइंड योर अनदर जॉब। एंड वाई आई एम टेलिंग यू, गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर टेलर मेड फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, सी विल गो टू आवर दिस थिंग। आज के इसमें हम लोग चलते हैं। तो मैंने देखिए, पहले जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मैं SSC के साइट पे गया, ठीक है, ये ब्राउज किया, SSC.NIC.IN इज द वेबसाइट। यहाँ पे जाके कैंडिडेट्स कॉर्नर से जाके मैंने ये डाउनलोड किया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, विच आई थिंक आप लोग में से काफ़ी सारे अवेयर होंगे। यू मस्ट हैव फिल्ड मेनी ऑफ दिस एग्जामिनेशंस एंड देर आर बैंकिंग एग्जामिनेशंस ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, क्या क्या एग्जामिनेशंस अभी होने वाले हैं, देखिए ये मार्च तक तो हो गया, जून वाला भी आई कंसिडर इट डन, ठीक है। सो अब जो हमें देखना है, वाट इज इम्पॉर्टेंट एंड वाट आर द एग्जाम्स फोरथकमिंग एग्जामिनेशंस जुलाई में 2023 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। आप लोगों में से काफी लोगों ने इसको भर दिया होगा, नहीं भरा इस बार तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद में CHSL का भी फॉर्म जो है अभी भर दिया होगा आपने, अगस्त महीना में इसका एग्जाम होना है। एंड उसके बाद में देर इज MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ का भी, जिसका अभी फॉर्म आज 14 जून है, देख सकते हैं आप, 14 जून 2023 में आएगा एंड इसका एग्जाम होगा सेप्टेम्बर में। तो यहां से आपके लिए मैं स्टार्ट करता हूं मेनली, और ये दोनों एग्जाम भी कवर होगा, फिर उसके बाद में ये सितंबर वाला एग्जाम तो होगा ही, देन दिल्ली पुलिस, अगेन वर्दी में भी अगर कोई फिर से इंटरेस्टेड है तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में आप डायरेक्टली जा सकते हैं। इसका फॉर्म कब आना है, देखिए फॉर्म आएगा 20 जुलाई को, और SSC बहुत पर्टिकुलर हो गया है, मैं बता रहा हूँ, आज आप देखिएगा 14 जून है तो आज जो है MTS का फॉर्म आ ही जाएगा या एक दो दिन के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस वाला भी जो ये फॉर्म है ये आएगा। उसके बाद में देखिए स्टेनोग्राफर, ये सारे सिर्फ SSC के एग्जाम है। उसके बाद कॉन्स्टेबल मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, तो जिसको अपने पोस्ट के हिसाब से, एक सर्विसमैन आई नो आप लोग जब वर्क कर रहे थे तो यू वेर इन डिफरेंट पोस्ट, कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल एंड उसके बाद में JCOs NCOs एंड कमीशन ऑफिसर्स। सो जैसे कमीशन ऑफिसर्स विल बी मोर इंटरेस्टेड कि वो UPSC एंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल तक का एक पोस्ट को के लिए टारगेट करते हैं, मेनली UPSC PSC पब्लिक सर्विस कमीशन। सो फ्रेंड्स, मैं इन सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए मेंटरशिप राइट फ्रॉम टीचिंग और टीचिंग के साथ में वैकेंसीज के बारे में भी बताता हूँ एंड उसके बाद में आपके डाउट क्लियरेंस, क्या जरूरत होता है कि पहले हमें कंसेप्ट कोई बताए, फिर उस कंसेप्ट्स में हमें वर्क करना होता है, वर्क करेंगे डाउट आएगा, मे बी मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग मैथ्स ये वो, तो उसके बाद में हमें फिर एक मेंटर की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपका मेंटर आपके साथ में रहूंगा टिल द सक्सेस ऑफ योर्स। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको यही बोलने वाला हूं कि आपको सिर्फ अपना दिमाग में एक बार डाल लेना है कि देखिए आफ्टर When, जब आप जॉब गए थे तो जॉब की फर्स्ट डे की ट्रेनिंग भी आसान नहीं होती है, बहुत टफ ट्रेनिंग गुजरने के बाद आप लोहा को जैसे एकदम गर्म करके फिर उसको ठंडा करके उस पर स्ट्रेंथ इंड्यूस किया जाता है, तो आपको भी ट्रेनिंग के टाइम से उस तरह से स्ट्रांग बनाया गया है। तो अब आप काफी मेहनत कर सकते हो, काफी नॉलेज यू हैव मस्ट हैव गेन्ड इन योर सर्विसेज बाई डिफरेंट पोस्टिंग। लोग ज्योग्राफी के बारे में आर दे आर स्टडिंग फ्रॉम बुक्स बट यू हैव लर्न द ज्योग्राफी बाई हैविंग ए पोस्टिंग इन श्रीनगर एंड अगेन पोस्टेड एट नॉर्थ ईस्ट। आपको ये पता लग जाएगा नॉर्थ ईस्ट में भाई रात जब होता है 6:30-4 बजे ही पे ही रात हो जाती है ठंडियों के दिनों में, 4-4:30 बजे। सो ज्योग्राफी हिस्ट्री
एंड एक्सपीरियंस से आपने काफी कुछ सीख लिया, अब सिर्फ आपको वापस से एक बार पेन एंड पेपर उठाना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, ये सब बेसिक्स आपने पहले किया होगा या प्रैक्टिस कर रहे होगे। इसके लिए मेंटरशिप चाहिए तो मैं आपके साथ हूँ, और आपको जो ये है इसमें फिर आपका डाउट क्लियरेंस करने के लिए फ्रेंड्स क्या है, जो भी मेरे एक्स सर्विसमैन फ्रेंड्स इसको देख रहे हैं, कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे मुझे वहां लिख दीजिए, ठीक है? फिर हम लोग एक एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाएंगे फॉर आवर एक्स सर्विसमैन फ्रेंड्स, वेयर बाई हम लोग नोटिफिकेशन से लेके डाउट क्लियरेंस के लिए मैं रहूंगा और भी मेरे फ्रेंड्स रहेंगे साथ में, जो कि मेरे साथ इस चैनल में एसोसिएटेड हैं, तो वो डाउट क्लियर भी करेंगे। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कट ऑफ फॉर एक्स सर्विसमैन इज वेरी लेस इन एनी एग्जाम। आप निकाल दो CGL, CHSL, MTS, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो उसको निकालो और प्रीवियस कट ऑफ देखो, जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ देखो और एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ देखो। क्यों? क्योंकि यस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर लेस, इसलिए नहीं कि आपके ऊपर कोई मजबूर मेहरबानी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट सिर्फ इसलिए कट ऑफ तक मगर पहुंचने के लिए आपको अपने जो कंपिटिटर्स हैं तो उनसे अच्छा करना है। और उनसे अच्छा करने के लिए क्या है कि फ्रेंड्स यू नीड ए मेंटर, दैट इज मी, आई एम विथ यू। यू नीड पर्सनलाइज्ड कोचिंग, वो भी मैं आपको देता हूं थ्रू यूट्यूब चैनल एंड इफ रिक्वायर्ड थ्रू लाइव क्लासेस ऑल्सो। जस्ट आपको करना क्या है, यू हैव टू राइट दिस योर व्हाट्सएप नंबर इन द कमेंट सेक्शन, एंड उसके बाद में हम लोग एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, ग्रुप फॉर्म करने के बाद में डाउट क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे टिल योर सक्सेस। सो आई विल बी विथ यू ऑल माय फ्रेंड्स। फ्रेंड इस वीडियो को मैं यहीं पे अभी स्टॉप कर रहा हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एक्स सर्विसमैन मेरे इस ग्रुप का या मेरे इस मेंटरशिप का फायदा लें और मुझे अपना नंबर दें और एक ग्रुप फॉर्म कर देंगे। सो वंस अगेन फ्रेंड्स।